Hey guys welcome or welcome back to my channel so those who are new hi my name is Anshika and today's video is all about how i edit my youtube videos last video which i uploaded that is how i shoot my videos you liked a lot and in this video i asked you that whether you want a part two of this video that how i edit my youtube videos so you on requested a lot so here i am with part two of the previous video that is how i added my youtube videos विथ मोबाइल फोन येस विथ मोबाइल फोन मैं अभी लैपटॉप यूज नहीं कर रही हूँ एडिटिंग के लिए और आप लोगों अगर आप बिगनर है तो आपको भी लैपटॉप की कोई भी नीड नहीं आप फोन से एडिटिंग कर सकते हैं प्लस विदाउट एनी वॉटर मार्क एंड ऑल सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट सोल ओके सो जो आज की एडिटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं इसी वीडियो में आपको एडिट करके बताऊंगी लाइक like, ये वीडियो मैं अपने इन शॉर्ट से एडिट करने वाली हूँ जो एप में यूज करती हूँ वो है इनशॉर्ट जो कि प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड आज की वीडियो में एडिट करूंगी फर्स्ट uh, पार्ट जो कि स्टार्टिंग रहता है बिगनिंग रहता है वीडियो का एंड द एंड पार्ट तो ये दो पार्ट रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एडिटिंग के लिए बीच में सिर्फ आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करना पड़ता है उसमें ज़्यादा नीड नहीं रहती है तो मैं आपको ये दो पार्ट बताने वाली हूँ और इन शॉर्ट का क्या डिसएडवांटेज है मैं ये भी आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में सो so, या वीडियो को पूरा देखिए ओके okay, सो so जैसे ही आप इनशॉर्ट ओपन करेंगे ये आपका इंटरफेस है जो आपको दिखेगा सो so सबसे पहले मैं चूज़ करती हूँ ट्रिम ऑप्शन तो आपको ट्रिम पे क्लिक करना है उसके बाद जो सीजर बनी है उस पर क्लिक करना है और आपको स्टार्टिंग का और एंड पार्ट जहाँ पे हम मतलब जब आप कैमरे की तरफ जाते हैं मतलब वीडियो ऑफ करने के लिए तो वो आप ट्रिम कर सकते हैं स्टार्टिंग पार्ट एंड एंड पार्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना आपके जो हाथ रहेगा वो दिखेगा कि आप कैमरा पे बंद कर रहे हैं मैं एंड पार्ट ट्रिम कर लिया है मैंने स्टार्टिंग पार्ट में मुझे नीड नहीं लगी ऐसे ही अगर आपको बीच का कोई पार्ट ट्रिम करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट तो वीडियो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी यू कैन सी उसके बाद आपको अगर स्पीड इंक्रीज करनी है या फिर आपको स्पीड कम करनी है स्लो करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते वीडियो अब आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है नेक्स्ट इज फिल्टर तो अगर आपको कोई फिल्टर ऐड करना है अपनी वीडियो में या फिर कुछ पार्ट में फिल्टर ऐड करना है तो आप स्प्लिट करके फिल्टर ऐड कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स भी अवेलेबल है इफ़ेक्ट्स में ग्लिच फ्लिप ये सारे जूम वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें बस आपको एक इफेक्ट चूज़ करना है इसमें से नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास इसमें अवेलेबल है इस स्टीकर तो स्टीकर में जैसे आपने देखा होगा मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर कोई स्माइली इमोजी जो रहते हैं तो वो सारे स्टिकर्स आपको इसमें अवेलेबल है प्लस अगर आप वो बैग पर क्लिक करेंगे जो सबसे लेफ्ट में बना है तो उसमें आपको फ्री स्टीकर अवेलेबल है प्लस कुछ प्राइस रेंज में भी अवेलेबल है तो वो आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो आपको इमेज ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद जो प्लस साइन बना है उस पर क्लिक करने के बाद गैलरी ओपन होती है तो वो आप क्लिक करेंगे तो ये सारी मेरी गैलरी के जो मैंने लास्ट वीडियोस अपनी ऐड आड, मतलब एडिट करी है उसमें मैंने यूज़ करे थे स्टीकर के बाद ऑप्शन है म्यूज़िक तो म्यूज़िक में सबसे पहला है ट्रैक्स ट्रैक्स में पहला है फीचर तो फीचर में जो ऑलरेडी अवेलेबल सॉन्ग्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप खुद अपने म्यूजिक डाउनलोड करें जो कि माई म्यूजिक में शो होंगे तो माई म्यूजिक में जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पे आपको अवेलेबल जो आपने डाउनलोड किए वो वाले सॉन्ग्स आएंगे द लास्ट वन इज इफेक्ट्स अफेक्ट्स में बबल बटन जो आपकी वो आप साउंड सुनते हैं मेरी वीडियोज में तो वो सारे इफेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे इसके अलावा इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो कि एक क्लिप से दूसरी क्लिप में जब हम जाते हैं तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स का हम यूज कर सकते हैं द थर्ड वन इज बेल्स तो घंटी वगैरह अगर आपको चाहिए है तो आपको इसमें मिल जाएंगी और इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि इसमें अवेलेबल है अगर आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना जैसे कि अभी मैं जो वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं इसी रिकॉर्डर से दे रही हूँ आवाज बहुत ही क्लियर आती है इसलिए आप इससे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं तो इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे हमें मिलेगा एक ऑप्शन दैट इज क्रॉप तो क्रॉप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप स्क्रीन क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए हो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप मोड में दैट इज अना ऑपन वी हैव इज कैनवास तो कैनवास में जब आप इंस्टाग्राम पर डाल लें तो नाइन बाई सिक्सटीन रेशियो आई जी टीवी बट अगर आप यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको हॉरीजोंटल मोड में रिकॉर्ड करके नो no फ्रेम पे क्लिक करना है द नेक्स्ट वी हैव इज टेक्सट तो टेक्सट मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है हे उसके बाद आप देखेंगे जो कलर्ड वो जो सर्कल बना है उस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे हमारे पास आइकन्स अवेलेबल है द वेरी फर्स्ट इज टेक्स्ट टू टेक्स्ट में आपका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज होगा बॉर्डर से हमारी बॉर्डर का कलर चेंज होगा शेडो अगर आप क्लिक करेंगे तो आगे पीछे अगर आपको शेडो चाहिए लेबल अगर आपको एक बैकग्राउंड चाहिए जैसे आपने देखा कि मेरे में एक बैकग्राउंड अवेलेबल हो गया लेबल पे क्लिक करने से कलर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं द नेक्स्ट इज ओपेसिटी तो ओपेसिटी पे वो जितना डार्क करना चाहे आप बैकग्राउंड उतना ज्यादा डार्क या लाइट कर सकते हैं तो मैं लाइट ही प्रेफर करूंगी इसलिए ये हमारा है टेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने थ्रू तो यहां से ही मैं सारे टेक्स्ट वगैरह ऐड करती हूँ ओके okay, तो ये था एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया है अब हम चलते हैं कि मैं अपनी वीडियो कैसे एडिट करती हूँ सो या ओके okay, सो so ये मैंने अपनी वीडियो यहाँ पे ऐड कर ली है सबसे पहले मैं जो चीज करती हूँ वो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ऐड करना तो मैं सबसे पहले एक साउंड बटन ऐड करती हूँ दैट इज बटन उसके बाद मैं स्टीकर ऑप्शन पे जाके फेसबुक ऑप्शन पे जाके इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो ऐड करूंगी और जहां भी मुझे सूटेबल लगेगा लाइक like मुझे यहां पे फ्रंट में रखना अभी प्रेफर लग रहा है क्योंकि ग्रे टी शर्ट पहनी हुई तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा बट आप साइड में भी रख सकते हैं बट मैं आज फ्रंट पर रखना पसंद करूंगी तो यहां पे मैंने ऐड कर दिया है उसके बाद मैं टेक्स्ट एड करूंगी दैट इज अंशिका सोनी जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जाके अभी फॉलो करिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो so, मैं जो फॉन्ट साइज पसंद करूंगी, वहाँ पे फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं जस्ट वो सर्कल जो उसके बाजू में जो ए लिखा है वहां से आपको फॉन्ट मिल जाएंगे बहुत सारे तो यहां से मैंने कलर चेंज कर लिया है और उसके बाद फॉन्ट साइज बॉर्डर सब कुछ चेंज करने के बाद जो भी मुझे अच्छा लगा लाइक पर्पल कलर का मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का शेडो वगैरह रख ली है सब कुछ और जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ चलो आप ठीक है इसके बाद मैं इंस्टाग्राम नीचे वहां पे जहां आइकन है उसके बाजू में मैं पेस्ट कर दूंगी मतलब वहां सेट कर दूंगी तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे ऐड हो गया है नेक्स्ट आप जहां पे आपको कुछ अगर आप चाहें तो वो बड़ा कर सकते हैं जैसे मैंने करा है तो जितना लंबा ड्यूरेशन आप चाहते हैं उतना ज्यादा लंबा आप कर सकते हैं नेक्स्ट जो मैंने बोला है इज दैट दिस इज पार्ट नंबर टू ऑफ हाउ आई एडेड माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स तो यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट एड करूंगी हाउ तो अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं दैट इज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मैंने अलग लिखा है आप दोबारा टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं आई एडिट तो ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं या तो अगर आप चाहें तो एक ही बार में पूरा लिख सकते हैं बट मैं यहाँ पे अलग अलग लिखना प्रेफर करूंगी तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए मैंने आगे चल के एक बार में भी लिखा है तो या आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं अभी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सब कुछ लिख के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक साउंड इफेक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी तो इफेक्ट्स पे जाके पॉपुलर मतलब इफेक्ट्स पे जाके पॉपुलर पे जाएंगे बबल ऑप्शन जो कि टक आवाज़ आती है एक वो वाला है तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आप आगे वीडियो चेक कर सकते हैं कैसा साउंड इफेक्ट आता है तो या इसके बाद मैंने आगे जाके बोला है कि दिस इज पार्ट नंबर टू तो अब जो जो बात मैं बोल रही हूँ मतलब वीडियो में जहां मुझे लगेगा कि ये पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करने हैं तो इसलिए वो सारे पॉइंट्स मैं बोलूंगी और वहां पे मैं लिख भी दूंगी तो मैंने बोला था दिस इज पार्ट नंबर टू ऑफ माय प्रीवियस वीडियो तो प्रीवियस वीडियो दिखाने के लिए मैंने वहां से गैलरी खोली स्टिकर्स पर से जाके मैंने अपना जो पहले वाला थंबनेल था वो यहाँ पे ऐड कर लिया है तो ठीक इसी तरीके से मैं सारी पिक्चर्स जो मेरी गैलरी में से वो सब ऐड करती हूँ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज यहाँ पे वीडियो एड नहीं होती है तो इसलिए मैं इमेजेस ही ऐड कर पाती हूँ इन शॉर्ट से तो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर टू लिख लिया है थोड़ा कलर हम चेंज कर देंगे इसका क्योंकि बहुत देर से येलो येलो चल रहा था तो क्या पर्पल इज लुकिंग गुड तो हम यहाँ पे पर्पल कर दिया है तो पर्पल ऐड करने के बाद अब मैंने फिर से मैं लिखूंगी हाउ आई एडेड माई इंस्टे हाउ आई एडेड माई यूट्यूब वीडियोज तो यहाँ पे मैंने बोला है हाउ तो यहाँ पे मैं एक ही बार में लिख रही हूँ ध्यान से देखिए हाउ उसके बाद फिर मैं नीचे लाइन पे गई आई एडेड जैसे मैंने पहले लिखा था बस कलर चेंज रहेगा बट एक ही बार में मैं लिखूंगी तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube जो है वो कट रहा है तो ये मैंने बाद में नोटिस करा पहले मैं साउंड इफेक्ट ऐड कर लू दैट इज यहाँ पे मैं प्लेंग ऑप्शन ऐड करूंगी तो एडेड माई YouTube वीडियोस अब जो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एडिट पे क्लिक करिए टेक्स्ट पे जाके तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है एक बार अगर आपने टेक्स्ट लिख लिया है तो वो बाद में एडिट नहीं होगा बिल्कुल हो सकता है तो ये मैंने यहाँ पे हाउ एडिट माई यूट्यूब वीडियोज विथ मोबाइल फोन तो मैं वापस टेक्स्ट ऐड करूंगी मोबाइल फोन तो ये इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी वरना बहुत ज्यादा पर्पल हो जाएगा और यहां पे जहां सूटेबल लगेगा मैं वहां पे इसको रख दूंगी बट ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है बट ठीक है देखते हैं पे अभी मैं मैं एक बटन या बबल ऑप्शन उस टेक्स्ट के साथ कर दूंगी हमेशा यही करूंगी जहां पे भी आप टेक्स्ट एड कर रहे हैं वहां पर एक साउंड इफेक्ट जरूर रखे ताकि जो ऑडियंस है अगर वो बोर हो रही है तो एक साउंड इफेक्ट से उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वापस वीडियो में आ सके तो एक वो साउंड इफेक्ट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो इसलिए इसमें सबसे अच्छी बात है, में, कि आपको वो सारे जो है, वो है तो वीडियो को एंड में पूरी और जैसे ही चेक हो जाएगी तो उसके बाद हम ऊपर जो आपको सेव बटन दिख रहा है राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर उससे आप सेव कर सकते हैं सबसे ज्यादा एमबी में जो है जब सबसे हाई क्वालिटी है वहां पर आप जाके सेव कर सकते हैं और फिर आपका एक पार्ट जो है वो एडिट हो सकता है अगर आप चाहें तो आप पूरा एक बार में एडिट कर सकते हैं अदरवाइज छोटी छोटी क्लिप्स बना के आप रख सकते हैं तो ये मेरा सेकेंड पार्ट है दैट इज एंडिंग पार्ट तो ये टेक्स्ट वगैरह तो हो गया ट्रेम कर लिया वीडियो अब इसके बाद आपने देखा होगा लास्ट ट्वेंटी सेकेंड जो रहते हैं वो आईजीटीवी के लिए रहते हैं सॉरी एंड स्क्रीन के लिए रहते हैं तो वो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी प्लस की बटन पे और मैं क्लिक करूंगी ब्लैंक पे फिर हम जाएंगे ट्रम पे ट्रेम पे मैं टेन सेकंड ऐड कर दूंगी टेन सेकेंड्स तक मतलब एक ब्लैंक ऑप्शन मुझे चाहिए तो वो टेन सेकेंड मैं दो ब्लैंक ऑप्शन ऐड करूंगी दैट इज फॉर ट्वेंटी सेकेंड तो ट्वेंटी सेकंड की एंड स्क्रीन रहती है मैं प्रेफर करती हूँ कि ट्वेंटी सेकेंड की एंड स्क्रीन पे मैं ना बोलूँ बस वो एंड स्क्रीन दिखाई दे इसलिए मैं वो एंड स्क्रीन अलग से ब्लैंक ऑप्शन ऐड करती हूँ और उसमें अपना इंस्टाग्राम हैंडल और सब्सक्राइब बटन लगाती हूँ और वहां पे लिख देती हूँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एंड सब्सक्राइब और साथ में जो एंड स्क्रीन पर नीचे जो वीडियोस चलती हैं तो वो वहां पे रेगुलर बेसिस पे चलती है अब यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल ऐड कर दिया है दैट इज अंशिका सोनी एंड इसका मैं कलर वगैरह चेंज कर दूंगी जो अच्छा लग रहा है मुझे मैं वो रख दूंगी और सेकेंड चीज जो मैं यहाँ पर लिखूंगी दैट इज सब्सक्राइब तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब भी लिख दूंगी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके चैनल का कंटेंट है वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप अपने और सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी यहां पे लिख सकते हैं अब मैं ये जो सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम वाली जो हमारा टेक्स्ट है और जो इमेजेस है ये मैं ट्वेंटी सेकंड तक इंक्रीज कर दूंगी ताकि जब तक वो एंड स्क्रीन रहे तब तक ये मेरे जो आइकन्स और जो मेरा टेक्स्ट है वो दिखता रहे तो इसलिए मैं अगले ट्वेंटी सेकेंड तक इसको इंक्रीज कर दूंगी और जैसे ये चार चीजें हो जाएंगी ट्वेंटी सेकंड तक द नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको एड करना है इज म्यूजिक तो म्यूजिक वो खाली अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए फिर मैं देख लू एक बार कि वो सही तरीके से हो रहा है तो या अब मैं म्यूजिक पे ऐड किया फिर मैंने माय म्यूजिक इसके बाद जो भी आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है लाइक like अगर आप म्यूजिक ऐड कर रहे हैं तो आपको ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करना है जो कि फ्री रहता है तो वहां से मैंने ऑलरेडी म्यूजिक डाउनलोड करके रखा है आपको 20 सेकंड तक करना है स्प्लिट ऑप्शन क्लिक करना और बाकी का डिलीट कर, कर देना है तो ट्वेंटी सेकंड जो आप मेरी स्क्रीन पे एंड स्क्रीन देखते हैं तो वो ये था कि हाँ मैं म्यूजिक ऐड करके फिर करती इज दैट्स इट फॉर टुडे आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अगर आपको इन शॉर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला हुआ है सो so, या आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो किस से रिलेटेड चाहिए लाइक सेल्फ पोर्ट्रेट और इंस्टाग्राम रील्स और या फिर कुछ भी ऐसे टॉपिक्स जो आपको चाहिए अभी मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ सो या प्लीज डोट फोर फॉलो मी देर एंड या प्लीज डोट फोर टू माई चैनल इफ यूर एंड सून माई नेक्स्ट वीडियो एंड स्टेम स्टे पॉजिटिव बाय